नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कवि परिचय के अंतर्गत दूसरे कवि घनानंद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह जो घनानंद है, यह यूजीसी नेट में तथ्यात्मक जानकारी की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, देश के कई विश्वविद्यालयों में सब्सिडरी प्रश्न पत्र के अंतर्गत भी कवि परिचय के अंतर्गत इनके विषय में पूछा जाता है, यानी कि ये सब्सिडरी में भी सिलेबस में लगे हुए हैं। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय हुई थी। घनानंद जो है मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे। मोहम्मद शाह रंगीला अपने अय्यासी के कारण ही उसका उपनाम जो है रंगीला पड़ा था। बहरहाल तो वो उसी मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे। किसी ने बादशाह रंगीला से कहा कि घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं। रंगीला ने इनसे गाना गाने के लिए कहा, इन्होंने इनकार कर दिया। तब फिर से बादशाह रंगीला को उनके दरबारियों ने बोला कि आपके दरबार में जो नर्तकी सुजान है, यदि वह घनानंद से प्रार्थना करे तो घनानंद अवश्य गाएंगे। बादशाह रंगीला ने ऐसा ही किया। सुजान ने घनानंद से आग्रह किया गाने का और घनानंद ने इतना अच्छा गाया कि पूरा का पूरा दरबार मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनता रहा। लेकिन जो है इससे मोहम्मद शाह रंगीला बहुत क्रुद्ध हो गया और उसने घनानंद को निकाल दिया अपने दरबार से। इसके पीछे दो कारण थे। पहला तो यह कि उसने पहले जो है रंगीला के आदेश की अवहेलना की थी, और दूसरा जब घनानंद गाना गा रहे थे तो उसने अपना पीठ, उन्होंने जो अपना पीठ है वो बादशाह रंगीला की तरफ कर लिया था और वो सुजान की तरफ देखकर गा रहे थे। घनानंद जो है सुजान के पास गए और उन्होंने कहा कि राजा ने मुझे निकाल दिया बादशाह ने, तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो सुजान ने इनकार कर दिया। इससे इनका दिल टूट गया, मन उचट गया, संसारिकता से इनका मोह भंग हो गया। ये दिल्ली दरबार छोड़कर ये चले गए वृंदावन और वहीं पर उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ले ली और कृष्ण की उपासना में लीन हो गए। वृंदावन में ही इनकी मृत्यु हुई। कब? जब नादिर शाह के सैनिक, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह के सैनिक जो हैं उनको पता चला कि कोई मीर मुंशी यहाँ पे रहता है। उन्हें लगा कि इसके पास बहुत पैसा होगा, तो आकर ईरानी भाषा में जर जर करने लगे। जर जर कहने लगे तो घनानंद को समझ में नहीं आया, जर का अर्थ होता है धन। तो इन्होंने रज उठाकर उन दो मुट्ठी उठाया और उन सैनिकों की आंखों पर फेंक दिया। सैनिकों ने गुस्से में आकर इनके दोनों हाथ काट दिए और इससे घनानंद की मृत्यु हो गई 1739 ईस्वी में। नादिर शाह वही जो ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। 1739 ईस्वी में घनानंद की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद कहते हैं कि मरते समय जो है उन्होंने अपना अंतिम कवित्व जो है अपने रक्त से अपनी सुजान को समर्पित किया था। सुजान का अन्य नाम जान भी मिलता है। घनानंद का स्वयं जो है एक और नाम आनंद घन मिलता है। और कई आलोचकों का ऐसा मानना है कि इन्होंने जो अपना आनंद घनानंद नाम रखा था वो तुकबंदी के आग्रह से रखा था, यानी कविता में तुकबंदी करते थे उसके आग्रह से रखा था। अब हम लोग घनानंद के बारे में और दूसरा पहलू से देखते हैं। घनानंद जो थे रीति काल के कवि थे, रीति काल के रीति मुक्त शाखा के कवि थे। हम लोग जानते हैं कि रीति काल को तीन भागों, रीति काल के कवियों को तीन वर्गों में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध कवि। तो ये रीति मुक्त शाखा के कवि थे। रीति काल में तीन प्रकार के जो कवि थे, एक वैसे कवि थे जो लक्षण उदाहरण शैली में रचना करते थे, दूसरे वैसे कवि थे जो लक्षण उदाहरण शैली में रचना तो नहीं करते थे लेकिन रचना करते समय जो है उन लक्षणों को ध्यान में रखते थे। बिहारी लाल ऐसे श्रेणी के कवि थे। पहले श्रेणी के जो कवि थे केशव थे। और एक तीसरा वैसा कवियों का भी समूह था जो न तो लक्षण उदाहरण शैली में रचना करते थे और न ही रचना के क्रम में इस पर ध्यान रखते थे। यह तीसरी श्रेणी रीतिमुक्त शैली कहलाई और इसी श्रेणी के घनानंद कवि थे, यानी कि ये रीति काल के रीतिमुक्त शाखा के कवि थे। जब वृंदावन में इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ले ली तो ये कृष्ण भक्ति के गीत लिखने लगे। साथ ही साथ ये सुजान को भी नहीं भूल पाए थे। और ये कहते हैं कि वहां वृंदावन की गलियों में घूमते हुए और वहां यमुना की कछारों को, यमुना नदी को देखकर ये भाव विवल हो जाया करते थे। और इन्होंने यमुना पर भी एक रचना लिखी है जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। घनानंद की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, उसके विषय में भी देख लेना आवश्यक है। यूजीसी नेट में सीधे सीधे उन पंक्तियों को उठाकर पूछ देता है कि यह पंक्ति किसकी है। इन प्रसिद्ध पंक्तियों को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, तो घनानंद की स्वयं की पंक्तियां और दूसरी घनानंद के विषय में कही गई पंक्तियां। पहली पंक्ति है, अतिशुधो स्नेह कुमारग है, घनानंद की है। लोग हैं लागे कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, रावरे रूप के रीति अनूप, नित नयो नयो लागत, ज्यों ज्यों निहारिये। ये सब पंक्तियां घनानंद की हैं।
हीन भय जलमीन अधीन कहा कछु मु अकुलानी समानय। पहले अपनाए सुजान सने सो फिर क्यों नेह को तोरियो जी। पर काज ही देह को धारी फिरो परजन्य जथारत है दरसौ। बहुत दिनन को अवधि आसपास परे खरे अरबरन भरे हैं उठी जान को। ये सब पंक्तियां घनानंद की हैं, अति महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ए रे वीर पवन तेरी सभी और गौन, इसमें जो है ये पवन को है संबोधित करते हैं। बदरा बरसय ऋतु में झिरकय नित ही अखियां उधरी बरसय। लहकी लहकी आवे जो जो पुरवाई पवन, इसमें जो है ये पुरवाई पवन के बारे में कहते हैं कि जैसे जैसे पुरवाई पवन आता है मेरे हृदय को ये और जलाता है। एक और पंक्ति है कारी कुरी कोकिला काहे कुबैर कार्य तीरी, यह भी घनानंद की ही पंक्ति है। अतिशुधो स्नेह कुमारक है, इसमें ये प्रेम की जो है निशंक प्रेम प्रेम मार्ग पर कैसे लोग चल सकते हैं इसका वर्णन किया। अतिशुधो स्नेह कुमारक है जाने कुछ बांक नहीं, जहां सांची चलत है अपन पोजिज के कपटी जो निशाक नहीं। इसी तरह से और भी है, इन्होंने मतलब कि बादल को भी अपना दूत बनाया है और पवन को भी अपना दूत बनाया है। बादल को बोलते हैं कि तुम कबहू वो विश्वासी सुजान के आंगन मोह आंसुओं को ही ले बरसो, यानी कभी वो मेरी विश्वासी सुजान के आंगन में मेरे आंसुओं को ले जाकर बरसा दो। तो यह कुछ इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अब इनके विषय में कई आलोचकों ने काफी विशेषकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी काफी प्रशंसा की है, अतिशयोक्ति में प्रतिशयोक्ति में नहीं काफी प्रशंसा उन्होंने की है। और उनके विषय में यानी घनानंद के विषय में कुछ पंक्तियां कही हैं जो इस प्रकार से हैं। घनानंद को इन्होंने साक्षात रसमूर्ति कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यह पूछा जा सकता है कि किसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति कहा था, तो घनानंद को। या इस तरह से कहा जा सकता है कि साक्षात रसमूर्ति की उपाधि साक्षात रसमूर्ति किसे कहा जाता है, घनानंद को। ठीक है। दूसरा है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के लिए कहा था। घनानंद जो है प्रेम के वियोग पक्ष के कवि हैं। प्रेम में दो पक्ष होता है, संयोग और वियोग, तो ये वियोग पक्ष के मूलतः कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी ब्रज भाषा की भी अतिशय प्रशंसा करते हुए कोटेशन दिया है कि ब्रज भाषा में जो है इतनी सफाई से इतनी प्रौढ़ता से लिखने वाला दूसरा कोई और कवि नहीं हुआ। अब हम इनकी कुछ रचनाओं पर आ जाते हैं। तो घनानंद की जो कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं, सुजान हित, सुजान सागर, वियोग बेली, विरह लीला। विरह लीला जो है फारसी छंद में लिखा गया है। प्रकीर्णक छंद, कोक सागर, यमुना यश, रसकेली बल्ली। तो इस प्रकार से हमने घनानंद का जीवन परिचय देखा, उनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियों को देखा और उनकी रचनाओं को देखा। इनकी लेखन की शैली कैसी थी, तो ये वियोग वर्णन वियोग श्रृंगार में ज्यादा वियोग वर्णन इन्होंने ज्यादा किया है, तो लेखन शैली। और ये जो है अलंकारों में विरोधाभास अलंकार जो है इनका प्रिय अलंकार था। तो ये सब कुछ बातें हुई जो घनानंद के विषय में हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर ये पसंद आता है तो इसको लाइक करें। धन्यवाद। जय।